जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा पर धरना का कार्यक्रम तय किया था। ये धरना शांतपूर्ण धरना था, लेकिन प्रदेश सरकार ने पुलिस के दमन और जुल्म से, तानाशाही से इस धरने को दबाने का काम हो रहा है। रात भर पुलिस हमारे घर के बाहर रही और आज जब पत्रकार मुझसे मिलने बात करने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास कर रही है। हम 10 बजे अपने घर से बाहर निकलेंगे। हम पुलिस के हर दमन, जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा तक जनता के मुद्दों को लेके दमन और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। हम सरकार के दमन और जुल्म से डरने और झुकने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे कितना जुल्म, अत्याचार, अन्याय करे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कमाल है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा तानाशाही, हर घर के आगे पुलिस बैठा दी। क्या आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं? क्या इस लोकतंत्र में क्या विधायकों को सदन में भी जाने से रोकेंगे? आप जनता की आवाज उठाने से रोकेंगे? अगर आपसे कहा जाता है कि हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं तो आप सबके घर में पुलिस का पहरा बैठा देंगे? अनुराग भदौरिया घर से निकल नहीं सकता, उसके घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा देंगे? कमाल की बात है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और जनता की आवाज को बंद कर देना चाहती है।